एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का 7 चैप्टर जिसका नाम है विकास। और यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए हम लोग बिना डिले किए आज के क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है विकास। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकरण इनमें से किसका उदाहरण है? ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकरण इनमें से किसका उदाहरण है? अपसारी क्रम विकास, अभिसारी क्रम विकास, साल्टेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी क्रम विकास का उदाहरण है। नेक्स्ट, आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज है। आधुनिक मानव का, आजकल के मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज है। ऑप्शन ए क्रोमोग्रान, प्री नियंडरथल, नियंडरथल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोग्रान। नेक्स्ट है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर अनुकूलन परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पादक, जीव, माध्यम, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, उत्पादक भी, जीव भी और माध्यम भी। नेक्स्ट है, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। अभिसारी विकास किससे प्रदर्शित होता है? संजात अंगों द्वारा, समवृत्ति अंगों द्वारा, अवशेषी अंगों द्वारा, इनमें सभी द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समवृत्ति अंगों द्वारा। नेक्स्ट, ड्रायोपिथिकस इनमें किसके अधिक समान थे? ड्रायोपिथिकस पूर्वज थे, इनमें किसके अधिक समान थे? ऐप के, गोरिल्ला के, चिंपैंजी के, मनुष्य के? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐप के। नेक्स्ट, विकास की विलुप्त कड़ी है। विकास की विलुप्त कड़ी क्या है जो विलुप्त हो गई है? फेरेटिमा, लिमुलस, पेरिपेटस, आर्कियोपटेरिक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कियोपटेरिक्स। नेक्स्ट है, हार्डी विनबर्ग का नियम व्याख्या करता है। हार्डी विनबर्ग का नियम क्या व्याख्या करता है, क्या बताता है? ऑप्शन है गुणसूत्री विभेदन को, अनुवांशिक अपघटन को, अनुवांशिक साम्यावस्था को, इनमें से सभी को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिक साम्यावस्था को दर्शाता है। नेक्स्ट है, नॉ डार्विन वाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? नॉ डार्विन वाद के अनुसार इनमें से कौन, डार्विन वाद एक प्रयोग किया गया है, वो किस विकास के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है उत्परिवर्तन, प्रकृति अपघटन, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति अपघटन। एस एल मिलर किससे संबंधित है? एस एल मिलर किससे संबंधित है? ऑप्शन है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, विकास के उपयोग एवं अनुपयोग के सिद्धांत से, नॉ डार्विनवाद से, नॉ लैमार्कवाद से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। नेक्स्ट है, किसी जीव का विकास ही इतिहास कहलाता है। जब किसी जीव का विकास होता है तो उसके इतिहास को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑन्टोजेनी, फाइलोजेनी, पूर्वजता, जीवाश्मिकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइलोजेनी। नेक्स्ट है, फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? फिलोसोफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है लामा, मेंडल, डार्विन, ह्यूगो डेब्रिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लामा। नेक्स्ट, कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? कार्बनिक जैविक के विकास से पहले रासायनिक विकास हुआ था, इसका अवधारणा मतलब यह किसने बताया था? ऑप्शन है ए आई ओपेरिन तथा जे बी एस हेल्डेन द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा, आर्हेनियस द्वारा, बापिस्टिक, लैमार्क द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए आई ओपेरिन तथा जे बी एस हेल्डेन द्वारा। नेक्स्ट है, जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? जीवाश्म जो होते हैं किस में पाए जाते हैं? रूपांतरित चट्टान, अज्ञेय चट्टान, तलछटी चट्टान, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूपांतरित चट्टान। नेक्स्ट, पैंजिनवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। पैंजिनवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया?
ऑप्शन है डार्विन, लैमार्क, बिज़मान, दीब्राज, दीब्रिज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संयोजन करी कौन है जो जोड़ता है, उस करी को संयोजन करी कहते हैं निम्नलिखित में, तो संयोजन करी इनमें से कौन है? ऑप्शन है एकिडना, पेरीपेटस, प्रोटोपटेरस, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग है, मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग क्या है? कर्ण पेशियाँ, उदर पेशियाँ, खोपड़ी की पेशियाँ, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कर्ण पेशियाँ भी, उदर पेशियाँ भी और खोपड़ी पेशियाँ भी, ये सब अवशेषी अंग है। नेक्स्ट, मेसोजोइक युग है, मेसोजोइक युग है मत्स्यों का, उभयचरों का, सरीसृपों का, ट्राइलोबाइट्स का। तो सरीसृपों का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? ऑप्शन है एटाविष्टिक अंग, अवशेषी अंग, समजात अंग और समजात अंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और समजात अंग। नेक्स्ट, मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है, मनुष्य किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? ऑप्शन है एंथ्रोपोइडी तथा पोंगिंडी, प्राइमेट्स तथा पोंगिंडी, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी। नेक्स्ट है, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? ऑप्शन है बॉल बॉक्स को, कारा को, युगलीना को, सभी को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युगलीना को, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, युगलीना को। नेक्स्ट, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, मिलर के द्वारा, डेविस के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन ने द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे, अब डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, जब ये लोग उपस्थित थे तो किस दौरान उपस्थित थे? पेलियोजोइक, प्रीकैम्ब्रियन, सीनोजोइक, मेसोजोइक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोजोइक। नेक्स्ट, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है, जीवन रसायनों द्वारा उत्पन्न हुआ, जीवन की मतलब जीवन की उत्पत्ति रसायनों द्वारा हुआ है, इस सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? ऑप्शन है मिलर एवं फॉक्स, ओपेरिन एवं हेल्डन, मिलर एवं वाटसन, वाटसन व मेल्विन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपेरिन एवं हेल्डन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण होता है, निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिया है उसमें किसके द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि जैव जीवों का विकास हुआ है? ऑप्शन है जीवाश्म, अवशेषी अंग, भ्रूण, आकारिकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म। नेक्स्ट, मानव के वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नियंडरथल मानव, क्रोमैग्रोन मानव, जावा कपी मानव, पैंकिंग मानव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमैग्रोन मानव, ये दीवालों पे चित्रकारी किया करते थे। ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगतम के उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, योगतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है लामार्क, डार्विन, विज़मैन, हर्बर्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। नेक्स्ट, हार्डी वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें किसके अनुपस्थित में, हार्डी वेनबर्ग एक समीकरण है, इसे कब लागू किया जा सकता है? ऑप्शन है उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, पुनर्संयोजन, इन सभी की उपस्थिति में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के अनुपस्थिति में, जब उत्परिवर्तन ना हो तब भी इसको लागू किया जा सकता है, प्राकृतिक चयन में भी और पुनर्संयोजन में भी। नेक्स्ट, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होमो सैपियंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो विकास मनुष्य का हुआ है उसको जीन आवृत्ति का परिवर्तन मानता है? ऑप्शन है नौ लमार्किज्म, नौ डार्विनिज्म, संश्लेषात्मक सिद्धांत, डार्विनिज्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संश्लेषात्मक सिद्धांत।
नेक्स्ट न्यू डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया, क्या परिवर्तन किया गया है? विभिन्नता के उदर्ग में प्राकृतिक चयन की व्याख्या में, स्पीसीज निर्माण की व्याख्या में, आइसोलेशन की व्याख्या में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक चयन की व्याख्या में। नेक्स्ट क्रमिक विकास में योगदान है, क्रमिक विकास में योगदान है किसका? ऑप्शन है स्वपरागण का, परपरागण, कायिक प्रवर्धन का, संकरण का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परपरागण का। नेक्स्ट डार्विन फिंचेस इनमें से किसका उदाहरण है? डार्विन फिंचेस इनमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है संयोजन करी का, अनुकूली विकरण, अभिसारी क्रम विकास, औद्योगिक मेलेनिज्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूली विकरण। नेक्स्ट इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है अनुत्रिक, वार्मी फॉर्म, अपेंडिक्स, निमेषक पटल, आँख की अपर्यायता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वार्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन संजातीय संरचना नहीं है, एक समान संरचना नहीं है? ऑप्शन है हवेल, चमगादड़, चीता एवं मानव के अग्रपाद की अस्थियाँ, बोगन बिलिया एवं क्यूबिकता के कांटे एवं प्राताने, कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क, पेंगुइन एवं डॉल्फिन के पक्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क। तो गाइस आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।